बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अल्ताफ़ हुसैन गुजर, प्रेसिडेंट बलूचिस्तान डेयरी फार्म एसोसिएशन। मैं जो है आज से कोई 95 से डेयरी फार्म एसोसिएशन के साथ मुंसलिक रहा हूँ और एज ए जनरल सेक्रेटरी काम करता रहा 2015 तक, जिसमें जो है मेरे साथ मेरे बुजुर्गान हाजी अब्दुल जब्बार साहब के साथ मैंने काम किया, हाजी अपने सैयद गफार शाह साहब के साथ मैंने काम किया और उनसे मैं हमने बहुत कुछ सीखा है। और उसके साथ साथ हमारे साथ जो है आजी सरवर जदून साहब थे और अपने आजी कमाल लोधी साहब, उनके टाइम में भी जब वो हयात थे तो मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी उनके साथ काम करता। हमने हमेशा जो है डेयरी फार्मर्स के मफादात के लिए दिन भी है और उनकी सर, मगर अब कुछ अरसे से कुछ लोग जो है मुख्तलिफ किस्म के प्रोपागेंडे कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने जो भी काम किया उसमें डेयरी फार्मर्स का फाइनेंशियल हमेशा जो है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है और अभी हालिया दौर में महंगाई और कुदरती आफात की वजह से डेयरी फार्म की सनत जो है बहुत ही पीछे चली गई, जिसकी वजह से हमने कोशिश की है कि हर फोरम पे अपनी आवाज़ उठाएं और हमने रेट के लिए दिन रात जिदोजहद करके डेयरी फार्मर्स को कम अज़ कम इतना किया कि वेंटिलेटर से ऑक्सीजन पे आगे महंगाई का अभी तक भी तदारुक नहीं हुआ, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में जो है अभी भी 200 रुपये से ऊपर दूध बिक रहा है। हालांकि ये 250-300 तक जाने का खदशा है जो हालात अभी महंगाई के रहे, मगर इसके बावजूद कुछ लोग जो है प्रोपेगेंडे मनफी कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा आज ऐसे डेयरी फार्मर एसोसिएशन के बैठे हैं, हमने गौर किया इस बात पर कि अगर हमारे डेयरी फार्मर्स हम पे एतमाद करते हैं, हमारी काबीना पे एतमाद करते हैं, तो हम इसको जारी रखने के लिए आगे काम कर सकते हैं। अगर नहीं तो हमसे कोई अच्छी क़यादत इनको मिल सकती है तो हम जो है मुखलसाना तौर पे उस क़यादत को सामने लें इस तमाम डेयरी फार्मर्स, और हम कोशिश करेंगे बल्कि उनका जो है साथ देंगे, उनके साथ काम करने के लिए हम जो है दिन रात उनके साथ मेहनत करेंगे और उनको जो है इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। तो लिहाजा जो है डेयरी फार्मर्स के अदम तआवुन की वजह से जो है हम यकीन करें कि बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हैं। आज भी हम सारा दिन से बैठे हुए आज यूनुस के पास इधर सोच रहे हैं कि डेयरी फार्मर्स अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि अगर कोई अच्छी क़यादत आप लोगों को आती है तो हम जो है उसके साथ काम करने के लिए तैयार है और हम उसका हम जो है इलेक्शन कराने के लिए भी तैयार है, वो आ जाए और आगे बढ़े, हम उनका साथ देंगे। हाजी अब्दुल बारी साहब मेरे साथ बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी इस तरफ बैठे हुए हाजी अखबार शाह साहब के फर्जंद बैठे हैं, अपने इरफान